हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दो तीन बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि इस तेजी के पीछे का रीज़न पूरी तरीके से हो सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको वो अपडेट्स बताने वाला हूँ, ये जो तेजी है वो कब तक बनी रह सकती है ये आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ से अब क्या आपको यस बैंक में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या अभी भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर पेशेंस थोड़ा सा बना के चलना चाहिए। सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे LIC की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका किया गया है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कल की क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसमें अगर आप देखोगे तो कल आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट एक बारी फिर से यस बैंक में देखने को मिला। करीबन 14.45 रुपये की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बना के दी कल के मार्केट सिनेरियो में, और करीबन 3.5% के आसपास की आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली जो कि काफ़ी दिनों से एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट इसमें लगाया जा रहा था। अगर आप इससे पहले के दिन में देखोगे तो करीबन 5% से भी ज़्यादा की तेजी थी, उससे पहले भी आपको देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी तेजी। तो टोटल अगर हम लास्ट 5 दिन के बारे में बात करें कि लास्ट के 5 दिन का परफॉर्मेंस यस बैंक का कैसे निकल के आता है, तो पिछले 5 दिनों में करीबन 3.78% के आसपास अप्रॉक्स अगर हम यहाँ पे लेके चले 14% के आसपास के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको बना के दे दिए हैं पिछले 5 दिन के अंदर अंदर ही। तो अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब इसमें थोड़ी सी तेजी आ चुकी है। अब मुझे जो भी कमेंट्स करते हैं, कोई कोई कुछ ऐसा कमेंट करता है जिसके पीछे का बिल्कुल कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। एक कमेंट मैं आपको बताता हूं जो कि मेरी रीसेंट वीडियो पे आया हुआ था, जब यस बैंक में आपको 5.5% से भी ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला था एक दिन के अंदर, तब मुझे कमेंट करके एक बंदे ने बोला था कि सर आप डेली यही बोलते हो कि यस बैंक बढ़ेगा और बढ़ता तो है ही नहीं। भाई एक दिन के अंदर 5.5% का मूवमेंट है, और कितना मूवमेंट एक दिन में एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ कि बढ़ने का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। करके जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अपडेट्स क्या है और क्या क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं यस बैंक में आने वाले टाइम में। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो रीसेंट न्यूज निकल के आ रही है, वहां पे आप देखोगे यस बैंक रोल्स आउट अ न्यू कैंपेन, साथ में बात है। यानी कि अगर आप देखोगे यस बैंक की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, बड़ा कैंपेन रन किया जा रहा है जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे साथ में बात है। यानी कि इस कैंपेन से ही हमें पता चल रहा है कि ये कैंपेन या फिर ये इनिशिएटिव किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिया गया है, अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए यस बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। CEO की तरफ से बहुत बड़ा कदम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द ब्रांड कैंपेन एम्स टू हाईलाइट द फाइनेंशियल्स एंड द अदर गेन्स फैमिलीज स्टैंड टू मेक थ्रू द यस फैमिली इनिशिएटिव। यानी कि अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो एम है वो फाइनेंशियल और अदर गेन्स को हाईलाइट करना है, जिससे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो फैसिलिटीज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और ओवरऑल यहां से इनका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ते हुए नजर आ सकता है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे यस बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड कैंपेन साथ में बात है टू ड्राइव मास अवेयरनेस ऑफ इट्स फैमिली बैंकिंग प्रपोजिशंस ऑफ यस फैमिली। ये केवल पर्टिकुलरली आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है, ओवरऑल सिनेरियो के यानी कि यस फैमिली को यहाँ पे जो आगे बढ़ाना है, मतलब जो इसको कस्टमर बेस बढ़ाना है और यहाँ पे अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। द हाई विजिबिलिटीज पैन इंडिया कैंपेन इज बीइंग पब्लिसाइज्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटडोर रेडियो एंड डिजिटल मीडिया इन ऑर्डर टू रीच अ ब्रॉडर येट मोर लोकलाइज्ड ऑडियंस। द ब्रांड कैंपेन हाईलाइट्स द फाइनेंशियल एंड अदर फैमिली स्टैंड टू मेक थ्रू अदर यस फैमिलीज इनिशिएटिव। ओवरऑल अगर आप देखोगे आपको हाल फिलहाल में आप यहाँ पर यस बैंक के जो एड्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं यूट्यूब्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, या फिर आप TV पर भी देखोगे तो इनके एड्स आपको हाल फिलहाल में आप देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा
इनिशिएटिव बहुत बड़ा इससे फायदा भी हो सकता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, मार्केटिंग कैंपेन काफ़ी अच्छा जनरेट किया गया है येस बैंक का ओवरऑल ग्रो करने के लिए। तो पहली अपडेट ये मैंने आपको बता दी है। दूसरी अपडेट जो मैं आपको बताता हूँ, इनके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं। रिसेंट डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नवंबर 2021 का, जिसमें अगर आप देखोगे निपॉन इंडिया ETF जूनियर 20 में अगर आप देखो 2.33% के साथ होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम देखें DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर 3.74% का यहाँ पर होल्डिंग्स आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स पर अगर आप देखो करीबन 5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखने को मिल रहा है, करीबन 5% से ज़्यादा का जो होल्डिंग्स है उसको इंक्रीज किया है। LIC म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने अगर आप देखोगे तो 0.13 के साथ काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। इसको मेन हाईलाइटेड इसलिए किया है क्योंकि LIC की ऑलरेडी होल्डिंग्स जो बहुत अच्छी खासी है और इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड्स ने करीबन 4% के होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खासी चीज़ निकल के आती है कि म्यूचुअल फंड्स भी अब धीरे धीरे करके ही सही लेकिन अपनी होल्डिंग्स को फिर से येस बैंक में इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी खासी बात निकल के आती है। तो इससे आपको सिनेरियो क्लियर होता है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स ने भी अब दोबारा से इसमें जो बाइंग है वो स्टार्ट कर दिया है। मार्केट सेंटीमेंट्स से कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में बात करें 83% लोग यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये डेटा जो है वो इस तेज़ी के बाद चेंज हुआ है, इससे पहले इसमें बाइंग की इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं निकल के आ रही थी। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में आपको 3-4 दिन के अंदर ही काफ़ी हद तक सिनेरियो चेंज होते हुए नज़र आ जाते हैं। 9% लोग अभी भी बोल रहे हैं कि आपको सेल कर देना चाहिए, 8% लोग अभी भी बोल रहे हैं आपको होल्ड कर देना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे भी यहाँ से आपके ओपिनियंस जानना काफ़ी अच्छा लगेगा। ये न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि एशियन होटल्स की जो इक्विटी थी करीबन 7.2% की, उसको यहाँ पे एक्वायर किया था यस बैंक ने करीबन 40,02,991 इक्विटी शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी उसको लिया था। इसका टोटल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन के आ रहा है, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट भी शायद अब मार्केट में देखने को स्टार्ट हो गया हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सिनेरियो येस बैंक के लिए क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के बारे में बात करें तो जहाँ तक लगता है कि आपको ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू बनी रह सकती है, इतनी शायद ना देखे लाइक 5% 8% ऐसे मूवमेंट ना देखें, लेकिन छोटी मोटी तेजी आपको 3% 2% की बनी रह सकती है अगले वीक में भी, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है फिर भी सस्टेन कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहां से आप अपने सिनेरियो उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, आप अपनी रिसर्च के बाद या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बाद डिस्कस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें या पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।